भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चार मैचों की टेस्ट सीरीज में जीत के साथ शुरुआत की। उसने नागपुर में खेले गए पहले टेस्ट में पारी और 132 रनों से जीत हासिल की। टीम इंडिया ने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में 1-0 की बढ़त हासिल की। भारत ने तीसरे दिन ही मैच को अपने नाम कर लिया। मैच में विराट का बल्ला नहीं चला, लेकिन उन्होंने अपने डांस से लोगों का दिल जरूर जीत लिया। कोहली ने ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा के साथ मैच में ब्रेक के दौरान डांस किया। दोनों बॉलीवुड के किंग खान कहे जाने वाले शाहरुख खान के गाने पर झूमते दिखे। शाहरुख की नई फिल्म पठान ने बॉक्स ऑफिस पर कई रिकॉर्ड्स बनाए। शाहरुख की इस फिल्म को लोग काफी पसंद कर रहे हैं। इसके गाने झूमे जो पठान पर लोगों ने हजारों रील्स बनाए हैं। कोहली और जडेजा भी इस गाने पर खुद को नहीं रोक पाए। स्टेडियम में ब्रेक के दौरान इस गाने के बजते ही दोनों डांस करने लगे। विराट टेस्ट की पहली पारी में 12 रन बनाकर पवेलियन लौट गए थे। विराट की लगातार 37वीं पारी में शतक नहीं लगा सके। उन्होंने पिछला शतक नवंबर 2019 में बांग्लादेश के खिलाफ लगाया था। तब कोहली ने कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेले गए डे नाइट टेस्ट में 136 रनों की पारी खेली। उसके बाद कोहली ने 6 अर्धशतक लगाए। विराट लगातार 10वीं पारी में अर्धशतक नहीं लगा पाए। उन्होंने पिछला अर्धशतक केप टाउन में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ जनवरी 2022 में लगाया था। तब विराट ने 79 रनों की पारी खेली। इस मैच में ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 177 रन बनाए थे और दूसरी पारी में 51 रनों पर ढेर हो गए। भारत पहली पारी में ही 400 रन बना चुका था, जिसकी बदौलत भारत को पारी और 132 रनों से जीत मिली। एएनपी टाइम्स की रिपोर्ट।